स्टेप वन मीन्स स्लाइड नंबर वन जो है इसमें टंग है, टंग फोर्स कंपैक्टेड बोलस इनटू द ओरोफेरिंक्स। बता चुका हूँ कि टंग जो है ये हमारे पास मैंडिबल हायड बोन से फ्लो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी बनाता है और ये यहाँ से माउथ से फूड को ओरोफेरिंग्स की तरफ ले आता है। ये फेरिंग्स पोर्शन है, यहाँ से ओरोफेरिंग्स की तरफ इस टंग को प्रोपेल करना, बैक साइड पे प्रोपेल करना ये टंग का काम है। दिस इज़ ऑल अबाउट टंग। और ये आगे हमारे पास लेरेंजियल मूवमेंट होती है। लेरेंजियल मूवमेंट फोल्ड एपिग्लॉटिस फ्रेंजियल मसल्स पुश बोलस इनटू एसोफेगस। जो ही लेरेंजियस फेरिंग्स पे फूड आएगा, फूड कंटेंट यहाँ पर पहुँचेगा, तो यहाँ पर फेरिंग्स की वाल पे फेरेंजियल मसल होते हैं जो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और फर्दर उसकी बोलस जो है फर्दर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से इट मूव डाउनवर्ड और एपिग्लॉटिस विल क्लोज दैट ट्रेकिया। ये ट्रेकिया को इस तरह ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज क्लोज कर देगा और क्लोज करने के साथ ही माउथ ओरल कैविटी इसोफेगस में फूड फिर फर्दर इंटर हो जाएगा। अगर आगे हम बात करें, बोलस मूव अलोंग एसोफेजस, लेरिंस रिटर्न टू नॉर्मल पोजीशन। अब देखिए हम बता चुके हैं कि जो ही फूड यहाँ से आगे ट्रेवल कर देगा, ये वाला पोर्शन जो है ये लेरिंग्स का पोर्शन है, दिस इज द लेरिंजियल पोर्शन। और यहाँ पर फूड आगे ट्रेवल होने के साथ ही ये फ्लैप ऑफ कार्टिलेज एसोफेगस को क्लोज कर देगा और ये लेरिंग्स इट विल मूव टूवर्ड द नॉर्मल पोजीशन, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो दिस इज टेम्परेरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी के थ्रू होती है और यहाँ पर मूवमेंट होगी। अभी हम बता चुके हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो थायराइड कार्टिलेज के बारे में, उसमें हम थायराइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि थायराइड कार्टिलेज में क्या क्या होते हैं। थायराइड कार्टिलेज की अगर बात करें तो इसमें कुछ कार्टिलेज ऐसे होते हैं जो पेड होते हैं और कुछ अनपेड होते हैं। अनपेड के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लार्ज फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है जो एक फ्लैटेड पोर्शन है, दिस इज द पोर्शन ऑफ लेरिंग्स, इट इज़ दिस कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। ये बैक साइड पे है, देखिए पोस्टीरियर विजन, ये पोस्टीरियर व्यू है और ये इंटीरियर व्यू है, इंटरव्यू ये है, ये एपिग्लॉटिस है। और ये दूसरा कार्टिलेज है जिसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज एक बड़ा शील्डेड नुमा एक कार्टिलेज है जिसके दो हॉर्न्स हैं, एक सुपीरियर हॉर्न्स ऊपर की तरफ आते हैं और इन्फीरियर हॉर्न नीचे की तरफ आते हैं। इन्फीरियर हॉर्न पर ये आके यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ फर्दर अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस और क्रिकॉइड कार्टिलेज डिफरेंट कार्टिलेज है। ये सारा व्यू जो है ये हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ये लेरिंग्स है। अभी इसमें कार्टिलेज है, इसमें 9 कार्टिलेज है, 8 मसल हैं और साथ कुछ लेगामेंट्स भी आते हैं। अगर आगे हम चलें तो आगे हम बात करें लेरिंग्स की एनाटॉमी की, तो पहले आउटलाइंस हम देखते हैं लेरिंग्स के। हम यहाँ पर कार्टिलेज डिस्कस करेंगे, लेगामेंट डिस्कस करेंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है इसलिए हम इसे कहते हैं वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। इसके मसल्स डिस्कनेक्ट, इसके साथ जितनी भी टर्म लाइक ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और एक टेक्निक डिस्कनेक्ट जिसे हम कहते हैं ट्रेकियोस्टोमी या क्रिकोथायरियोडियोटोमी या ट्रेकियोस्टोमी इसे हम कहते हैं, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेरिंग्स के बारे में बता चुका हूँ कि वो एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज जो था उसमें 9 कार्टिलेज है। इसमें लेरिंग्स में कम्प्लीटली 9 कार्टिलेज है, 3 पेयर्ड कार्टिलेज और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज है, 8 मसल हैं और कुछ इसमें लेगामेंट्स भी आते हैं। अच्छा, लेरिंग्स अभी है क्या, व्हाट इज लेरिंग्स? लेरिंग्स एक ऐसा मस्कुलोकार्टिलेजियन स्ट्रक्चर जिसे मसल्स भी हैं और कार्टिलेजियस भी है। कुछ मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अर्टिलेजियन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये एक मस्कुलोकार्टिलेजियन स्ट्रक्चर है जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, इज लाइन विद म्यूकस मेम्ब्रेन और सुपीरियर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया टू द फेरिंग्स। और ये एक ट्रेकिया का सुपीरियर पार्ट है, ट्रेकिया का जो नीचे ट्रेकिया है इसका सुपीरियर पार्ट है और फेरिंग्स का नीचे वाला इन्फीरियर पार्ट है। दिस इज लेरिंग्स। मस्कुलोकुटिनियस कार्टिलेजियन स्ट्रक्चर है, सुपीरियर टू द ट्रेकिया और इन्फीरियर टू द फेरिंग्स। अच्छा, इन्फीरियर टू द टंग एंड द हाइबोड। टंग जो था एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मसल था, टंग और हायड बोन के नीचे पाया जाता है। एसेंशियल स्पेक्टर इसमें होते हैं जो एंट्रेंस जो गार्डियंस के तौर पर काम करते हैं, जो प्रोटेक्शन काम करते हैं, जो भी
कंटेंट्स आ रहे हैं वो ट्रिके में फ्लो इनकी मोशन कंटिन्यूस हो। फंक्शन सिक्योरिटी एज ऑर्गन ऑफ, ये ऑर्गन ऑफ वॉइस इसे इसलिए वोकल कार्ड कहते हैं। 9 कार्टिलेज से बना है और कनेक्टेड बाय लिगामेंट एंड 8 मसल, और 8 मसल्स है इसमें। कुछ कार्टिलेज जो मैं बता चुका हूँ वो पेयर्स हैं और कुछ अनपेयर्ड कार्टिलेज है। देखें ये हमारे पास ओरल कैविटी है, ये सारी कैविटी हमारे पास ओरल कैविटी है। ये लार्ज टंग है, टंग मसल, और नीचे यहाँ पर हायड बोन है। इस टंग हायड बोन की जो नीचे वाला पोर्शन है ये हमारे पास लैरिंग्स है। इसके नीचे यहाँ पर हमारे पास इसकी थायराइड कार्टिलेज होंगे और फिर क्रिकॉइड कार्टिलेज होंगे, सुपीरियर हॉर्न, मीडफेरियर हॉर्न वगैरह वगैरह, और साथ इसके लिगामेंट्स होंगे और मसल वगैरह इसके यहाँ पर अटैच होंगे। आगे चलें तो आगे हम ये है थायराइड कार्टिलेज, ये है कम्प्लीटली लैरिंग्स, ये लैरिंग्स की व्यू है। इंटीरियर व्यू की बात हो रही है, ये देखें ये वाला कार्टिलेज जो है शील्ड लाइक कार्टिलेज, दिस इज थायराइड कार्टिलेज, और ये नीचे जो कार्टिलेज है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज, और ये हायड बोन से नीचे है और C7 पे ख़त्म हो जाता है, और इसकी लोकेशन और पॉइंट मार्क आगे आ रहा है बताते हैं। अच्छा देखिए, ये इनहेल्ड एयर लीव्स द फेरिंग्स बाय पासिंग थ्रू नैरो ओपनिंग द ग्लॉटिस। एयर जो है वो ग्लॉटिस के जरिए से हमारे पास लेरिंग्स में आएगी, और लेरिंग्स जो है C4 और C5 से स्टार्ट होता है और C7 पे ख़त्म हो जाता है, और ख़त्म इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है C4 और C5 है। C4 एंड C5 ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आके ये यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगा C7 पे आके, इट विल कम्स टू एन एंड। और एन एसेंशियल, ये एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है उस कार्टिलेजेस वाल अस्टेबलाइज, जिसके कार्टिलेजेस वाल पे मसल्स आते हैं और कुछ लेगमेंट्स आते हैं। अच्छा बता चुका हूँ कि ये हमारे पास ये सारा जो है ये थायराइड कार्टिलेज है, ये इंटीरियर व्यू है, और ये थायराइड, ये नॉच जो है इसे थायराइड नॉच कहते हैं, ये थायराइड नॉच है, और ये एंटीरोलेटरल व्यू है, ये बॉडी ऑफ थायराइड कार्ट और क्रिकॉइड कार्ट है, और कुछ इस तरह ही लेगमेंट है, और ये हमारे पास एपिग्लॉटिस आ जाता है। अच्छा कार्टिलेज ऑफ द लैरिंक्स की अगर बात करें, 3 लेयर ऑफ अनपेयर्ड कार्टिलेज फ्रॉम द बॉडी ऑफ द लैरिंक्स। अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से, उसमें मैं बता चुका हूँ कि थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस, ये अनपेयर्ड कार्टिलेज है। थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये हेलिन कार्टिलेज, ये याद रखेंगे, थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज हेलिन कार्ट, एपिग्लॉटिस जो है वो इलास्टिकल, ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक, तो एपिग्लॉटिस हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज है। अच्छा आगे चले तो थायराइड कार्टिलेज, ये बता चुका हूँ कि थायराइड कार्टिलेज एक शील्ड शेप है, और सुपीरियर हॉर्न होते हैं और इसके इन्फीरियर हॉर्न होते हैं। सुपीरियर हॉर्न जो ऊपर की तरफ गए होते हैं, इन्फीरियर हॉर्न जो नीचे की तरफ आए होते हैं, ये जो है ये वाला पोर्शन, इसे कहते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस, इसे हम इंग्लिश में एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये मोर डोमिनेंट होता है मेल में, कंप्लीटली दिखाई देता है। ये इंटीरियर व्यू ऑफ थायराइड कार्टिलेज है, और ये लैरिंग्स का पोर्शन है थायराइड कार्टिलेज, अनपेयर्ड कार्टिलेज है, और ये सुपीरियर हॉर्न है, और ये इन्फीरियर, ये पोस्टीरियर व्यू है, और ये लेटरल व्यू है। तो ये हमारे पास इस कंप्लीटली शील्ड शेप जो कार्टिलेज है, दिस इज थायराइड कार्टिलेज। अच्छा थायराइड कार्टिलेज इज लार्जेस्ट लेरिंजियल कार्टिलेज इन द थायराइड, मीन शील्ड शेप कार्टिलेज, इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द इंटीरियर एंड लेटरल वॉल ऑफ द लैरिंग्स। थायराइड कार्टिलेज व्हेन रिव्यू इन सीरीज सेक्शन इनकम्प्लीट पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट है, पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो ये पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट है, मीन्स इंटीरियरली इसने पोर्शन कवर किया है लेकिन पोस्टीरियर पोर्शन इसने कवर नहीं किया, इट्स पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट। और इसके दरमियान एक रिज होता है जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये दो पीसेस से बन के आपस में इंटीरियरली, टू पीसेस आपस में, ये वाला पीस और ये पीस इंटीरियरली आपस में मिलकर एक रिज बना देते हैं जिसे हम लैरिंजियल प्रोमिनेंस कहते हैं, और सेंटर में बना देते हैं। इन्फीरियर स्ट्रक्चर जो है सरफेस ऑफ थायराइड कार्टिलेज जो है ये क्रिकॉइड कार्टिलेज के साथ, और सुपीरियर सरफेस जो है हमारे पास एपिग्लॉटिस के साथ। सुपीरियर सरफेस जो है, सुपीरियर हॉर्न जो है, ये हमारे पास यहाँ पर एक फ्लैप ऑफ कार्टिलेज जाएगा एपिग्लॉटिस, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्रिकॉइड कार्टिलेज आ जाएगा। अच्छा दिस इज ऑल अबाउट थायराइड कार्टिलेज। अभी हमारे पास दूसरा कार्टिलेज है रिंग लाइक कार्टिलेज। देखिए मैं बता चुका हूँ कि थायराइड कार्टिलेज के इन्फीरियर सरफेस पे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, और ये एक रिंग है, ये एक रिंग लाइक कार्टिलेज है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। कार्टिलेज क्रिकॉइड का मतलब ही ऐसा है, सिग्नेट रिंग, एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास इंटीरियरली ही आर्क ऑफ क्रिकॉइड बनाता है, और पोस्टीरियरली एक लेमिना बनाया था, पोस्टीरियरली लेमिना बनाता है, ये आर्क है इसका कवर्ड पोर्शन है, और पोस्टीरियरली एक लेमिना बना देता है। तो क्रिकॉइड
कॉटिलेज जो है ये हमारे पास रिंग शेप्ड कॉटिलेज है. इट्स कंप्लीट लिंक पोस्टीरियर पोर्शन इज ग्रेटली एक्सपेंडेड पोर्शन इन द एप्सन. हमारे पास ये गार्डियंस ये प्रोटेक्शन देते हैं और पोस्टीरियर इसका पोस्टीरियर पोर्शन जो है कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है और कम्प्लीशन है. ये हमारे पास क्या है, एपिग्लॉटिस है. ये हमारे पास जो है थायराइड कॉटिलेज और ये जो कम्प्लीटली पोर्शन जो है इट्स क्रिकॉइड कॉटिलेज. दिस इज क्रिकॉइड कॉटिलेज. हम यहाँ पर अटैचमेंट ऑफ मसल्स और वगैरह जितने भी हैं ग्लॉटिस और एंट्रेंस ऑफ द ट्रेकिया वगैरह की अटैचमेंट देते हैं. ये आगे अगर हम सुपीरियर सर्फेस ऑफ क्रिकॉइड कॉटिलेज की बात करें तो वो पेयर्ड ऑफ एरिटिनॉइड कॉटिलेज पे आगे पेयर्ड होता है. अभी एरिटिनॉइड कॉटिलेज पे सुपीरियर सर्फेस अटैच होता है. अभी अगला जो कॉटिलेज है वो है एपिग्लॉटिस. अभी एपिग्लॉटिस एक अनपेयर्ड कॉटिलेज है. ये एक लीफ शेप्ड कॉटिलेज है. देखें ये लीफ नुमा पत्ता नुमा कॉटिलेज है पोस्टीरियर रूट ऑफ द टंग जो कि रूट टंग के पोस्टीरियर रूट पे अटैच होते हैं. और ये जो है ये हायड बोन के बॉडी के साथ अटैच होते हैं और पोस्टीरियर साइड थायराइड कॉटिलेज के पोस्टीरियर साइड पे अटैच होते हैं. इट इज़ पोस्टीरियर टू द थायराइड कॉटिलेज और हायड बोन के साथ ये अटैच होते हैं. अभी आगे जो इसके कंटेंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं.